Hi you guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Khushi and in today's video, I will be talking about 6 pharmacy products under ₹500 and this is the third video of my pharmacy series. इससे पहले मेरे दो already video है जिनमें मैंने pharmacy के products में बात की थी and this is the third video. So if you're someone who is interested, then keep on watching the video. So before starting the video, I would like to talk about some things. So like, is it me, आपके साथ भी हो रहा है कि I am breaking out. Like मुझे pimples नहीं हो रहे but मुझे whiteheads हो रहे हैं छोटे छोटे and I think it is because of the heat क्योंकि मेरे skin care products almost same ही है. मेरी skin irritated नहीं है, my skin is normal but still you know मुझे दाने दाने whiteheads निकल रहे हैं छोटे छोटे. Like is it me क्योंकि मुझे लग रहा है ये heat की वजह से हो रहा है क्योंकि जब मैं मुंबई गई थी तो मुझे मुंबई में ऑलमोस्ट 7 to 10 days तक मुझे कंटिन्यूसली होते गए, किसी दिन 3 आ रहे थे, किसी दिन 4 आ रहे थे एंड काफी ज्यादा यू नो छोटे छोटे व्हाइट हेड्स जो होते हैं जिनमें पस होते हैं. एंड गोवा आने के बाद जिस दिन से मैं आई हूँ तब से मुझे अभी तक हो रहे हैं, लाइक इट्स बिन ऑलमोस्ट 10 days एंड आज जाके एक भी नहीं निकला है. नहीं तो उससे पहले 9 दिन तक मुझे हर दिन कभी 2 कभी 3 वो छोटे छोटे व्हाइट हेड आ रहे थे. पिंपल्स नहीं थे वो, उनमें खून भी नहीं था बट वो पस था छोटा सा व्हाइट हेड सॉर्ट ऑफ यू नो जो फेस में एक होल छोड़ते. लाइक इज इट मी आपके साथ भी गर्मी की वजह से हो रहा है क्योंकि वेदर काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है. गोवा में क्या हो रहा है, रात में बारिश होती है, ठंडा मौसम हो जाता है एंड दिन में इतनी कड़क धूप, लाइक इट्स सो हॉट हियर. तो यही दो मौसम कंटिन्यूस चल रहे हैं इधर, तो आई थिंक उसकी वजह से स्किन पे असर पड़ रहा है. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट समथिंग, वही मैंने जो स्टार्टिंग में भी बोला. सो वन ऑफ यू कमेंटेड सेइंग कि व्हाई इज योर स्किन लुकिंग ऑयली एंड एक्ने प्रोन. फर्स्टली माय स्किन इज ऑयली एंड एक्ने प्रोन एंड राइट नाउ मेरे फेस पे कुछ मेकअप नहीं है. लाइक फेस बेसिकली आईज, आईब्राउज एंड लिपस्टिक मेरा मेकअप है बट फेस पे नहीं है. बट मैं वीडियो कैसे शूट करती हूँ, मेरा फैन बंद रहता है, मेरी विंडोज सारी बंद रहती है, मेरा डोर बंद रहता है ताकि आवाज ना आए. तो उसकी वजह से मुझे स्वेटिंग होती है ना क्योंकि गर्मी है एज आई सेड एंड फैन भी बंद है तो ऑब्वियसली मुझे स्वेटिंग जो अभी भी हो रही है तो उसी की वजह से मेरा फेस काफी ज्यादा शाइनी लगता है एंड वो ऑयली लगता है. तो यार दैट्स द रीजन आई लुक ऑयली एक्ने प्रोन, जो किसी ने कमेंट किया था कि वाई योर स्किन लुक्स ऑयली एक्ने प्रोन एंड माय स्किन इज ऑयली एक्ने प्रोन स्किन. वो मेरी स्किन ही वैसी है. प्लस जो आपको ये शाइन दिख रही है मेरे फेस पे, ये शाइन तो नहीं, ग्लो भी नहीं बोलेंगे इसको क्योंकि एक्चुअल में पसीना है जो मुझे यहाँ पे बैठे बैठे आ रहा है बिकॉज मेरा फैन विंडोज डोर सब कुछ बंद है एंड आई थिंक या दैट्स वेरी नॉर्मल. या वही मुझे दो बातें करनी थी एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद द फेस वॉश. सो द फेस वॉश विच आई हैव इज दिस ग्लोबलिस का ग्लाइकोलिक एंड सैल्सिलिक एसिड फेस वॉश एंड इतना ज्यादा हाइप्ड अप है, काफी लोगों को इतना ज्यादा पसंद है फेस वॉश. इट रिटेल्स फॉर ₹195 एंड यू गेट 100 ml विच आई थिंक इज रियली गुड एंड आई थिंक अमेजोन पे मुझे 175-180 का पड़ गया था. एंड मैंने इसमें इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक की थी, इसमें वो इंग्रेडिएंट नहीं है जिससे मुझे ब्रेकआउट्स हों क्योंकि मैं अपना फेस वॉश ना हमेशा देखती हूँ वो एक इंग्रेडिएंट के लिए. अगर वो इंग्रेडिएंट होता तो मैं उस फेस वॉश को यूज ही नहीं करती, भले ही वो कितना भी अच्छा हो कैसा भी हो मैं यूज नहीं करती. तो इसका मैंने इंग्रेडिएंट लिस्ट देखा ना, इसमें वो इंग्रेडिएंट नहीं था बट दिस फेस वॉश ब्रोक मी आउट सो बैड. लाइक 2 दिन तक मैंने इसको 2 बार यूज किया बस एंड मुझे इतने गंदे ब्रेकआउट. फर्स्ट डे पे मुझे कुछ नहीं हो, माई फेस फेल्ट नॉर्मल. सेकेंड डे पे सेम जैसा मिनिमलिस्ट का सैल्सिलिक एसिड फेस वॉश के साथ हुआ था वैसा ही सेम इसके साथ हुआ. माई फेस वॉज बर्निंग टिंगलिंग एंड लिटरली लाइक 2 वीक्स तक, 2 वीक या मुंबई जाने से जस्ट पहले हुआ था ये, 2 हफ्ते पहले मार्च के मिड के अराउंड में एंड इट ब्रोक मी आउट रियली बैड. मेरा स्किन बैरियर रुइन हो गया था. मैंने बस बोरोलिन अप्लाई किया था, वो भी बस नीचे वाले एरिया में क्योंकि ऊपर वाले में अगर मैं बोरोलिन अप्लाई कर रही थी तो मुझे व्हाइट हेड्स आ रहे थे ऑब्वियसली यू नो आई हैव ऑयली स्किन. तो मैं बस इस वाले एरिया में बोरोलिन अप्लाई कर रही थी, मैंने कुछ भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज नहीं किया था एंड उसी टाइम मैंने फॉक्सटेल का क्लेंजर खरीदा एंड लाइक आई वॉज रियली थैंकफुल टू दैट फेस वॉश फॉक्सटेल वाला क्योंकि उसने काफी अच्छा काम किया. बट दिस वन सैडली डिड नॉट वर्क फॉर मी, मेरे बहुत गंदे ब्रेकआउट्स हो गए थे एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल लव दिस वन बट आई डोंट नो मेरे क्यों काम किया क्योंकि फार्मेसी के और भी फेस वॉशेस हैं जैसे रेजुग्लो फेस वॉश, वो काफी ज्यादा अच्छा है, वो खत्म भी होने वाला है, मैं उसको अपने मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में यूज कर रही हूँ. बट दिस वन सैडली डिड नॉट वर्क फॉर मी एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू. इसको मैंने अभी तक बस 2 बार यूज किया, उसके बाद मैंने यूज भी नहीं किया, पूरा भरा हुआ है. तो आई विल ट्राई टू सेल दिस यू नो थ्रिफ्ट स्किन केयर थ्रिफ्ट स्टोर पे. नहीं हुआ तो आई विल यूज दिस फॉर माय बॉडी क्योंकि ग्लाइकोलिक एंड सैल्सिलिक एसिड है तो बॉडी के लिए भी काम कर जाएगा. सो दिस फार्मेसी प्रोडक्ट वॉज अ बिग फेल फॉर मी. मूविंग ऑन आई हैव 2 मॉइस्चराइजर्स. द फर्स्ट वन विच आई हैव इज दिस इमोलिन क्रीम एंड इसका एक्चुअली मैं यहाँ पे क्यों बात कर रही हूँ, मैं इसको नहीं इंक्लूड करने वाली थी बट देन आई रियलाइज कि मैंने कभी ढंग से इस प्रोडक्ट के बारे में अपने वीडियोज में बात नहीं किया. काफी लोग ने मुझसे पूछा भी कि आपने इमोलिन ट्राई किए एंड मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने ट्राई किया बट मैंने कभी ढंग से रिव्यू नहीं दिया है. आई नो मैंने इसको 2-3 वीडियोज में पहले दिखा दिया, आई थिंक मंथली फेवरेट्स एंड टॉप 5 मॉइस्चराइजर्स, बट स्टिल मैंने सोचा इसको दिखा देते क्योंकि एक फार्मेसी बेस्ड मॉइस्चराइजर ही है. सो दिस वन रिटेल्स फॉर ₹300 एंड यू गेट 100 ग्राम एंड ये बहुत ज्यादा चार्ज है गाइस. कैन सी मैंने इसको
इतना यूज़ कर लिया है एंड आई थिंक ये खत्म हो ही जाएगा कुछ टाइम में। एंड इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, इट डस सेज क्रीम फॉर ड्राई स्किन बट ऑयली स्किन के लिए काफ़ी अच्छा काम कर जाता है, चिपचिप ग्रीसी कुछ नहीं करता। दिन में मैं थोड़ा सा कम लेती हूँ बट रात में मैं अच्छा खासा अमाउंट ले लेती हूँ एंड उस पर भी ये चिपचिप और ग्रीसी बिल्कुल नहीं करता। एंड हाउ आई यूज दिस, मैं इसको लेती हूँ, फिर मेरा वन थिंग का जो टोनर है उसको मैं स्प्रे करती हूँ 2-3 पम्प्स और फिर मैं अच्छे से फेस पे लगा लेती हूँ। लिटरली मेरा फेस इतना ज़्यादा हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज लगता है क्योंकि मैं टोनर और मॉइस्चराइजर दोनों मिक्स करती हूँ। सो इफ यू आर समवन लुकिंग फॉर अ गुड अफोर्डेबल मॉइस्चराइजर देन दिस इज इट, ये समर्स के लिए काफी अच्छा काम करेगा। विंटर्स के लिए मे भी थोड़ा लाइट वेट हो सकता है एंड 300 का है बट आपको आराम से 250-240 तक का मिल जाएगा ऑनलाइन, सो दिस वन इज अ बिग हिट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट थिंग विच आई हैव इज दिस सिप्ला एक्सेला मॉइस्चराइजर फॉर ऑयली स्किन एंड ये इतना ज्यादा फेमस है, लाइक काफी सारे लोगों को पसंद है बट मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा ये। सो दिस वन रिटेल्स फॉर 497 rupees, ऑलमोस्ट 500 rupees ही एंड यू गेट 50 grams एंड ये आता है ऐसी पंप पैकेजिंग में। एंड टॉकिंग अबाउट दिस मॉइस्चराइजर, मेरा सबसे बड़ा इशू क्या है, फर्स्टली ये थोड़ा टाइम लेता है यू नो अब्सॉर्ब होने में, इसको ब्लेंड करने में, क्योंकि आई एम समवन विद ऑयली स्किन एंड मैं बहुत लाइट वेट मॉइस्चराइजर्स यूज करती हूँ। सो दिस वन इज नॉट एग्जैक्टली लाइट वेट यू नो, क्योंकि इसको ब्लेंड करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। एंड द सेकंड थिंग इज आप इसको अप्लाई करेंगे एंड गलती से भी अगर आप थोड़ा भी कहीं रब कर लेंगे तो ये पूरा पील होना, जैसे होता है ना हम नहाते टाइम एंड यू नो ब्लैक ब्लैक वो मैल निकलता है, सेम वैसे ही मेरे आईज के पास मैंने इसको थोड़ा रब कर लिया था क्योंकि मेरी यू नो आई के यहाँ पे इचिंग हो रही थी तो ये पूरा पील हो गया। सो लाइक दैट्स द रीजन आई डोंट लाइक दिस वन एंड फॉर 497 rupees आई थिंक यू नो लाइक उतना खास नहीं है, मेरी काफी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस थी इससे बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल लव दिस वन सो लाइक या। एंड इसका सेकंड इंग्रेडिएंट ही नायसिनमाइड है तो इसमें अच्छा खासा 2-4% नायसिनमाइड होगा एंड लाइक ठीक है बट उतना खास नहीं लगा मुझे कि मैं इसको वापस रीपर्चेज करूंगी। एंड दिस इज हाउ द टेक्सचर लुक्स लाइक, टेक्सचर भी मुझे इसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा थिक लगा, अदर देन दैट मुझे इसने कुछ भी ब्रेकआउट्स इरिटेशन कुछ भी नहीं दिया बट द ओवरऑल फील एक मॉइस्चराइजर की मुझे इसमें उतनी खास नहीं लगी। मूविंग ऑन द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच आई हैव इज दिस यूवीडॉक्स की सनस्क्रीन, सो दिस इज यूवीडॉक्स सनस्क्रीन लोशन SPF 30 PA++, इट डस सेज ऑयल फ्री लाइट वेट नॉन ग्रीसी नॉन कमेडोजेनिक एंड ऑल। तो इस सनस्क्रीन का क्या है, एप्लीकेशन गुड, ब्लेंडिंग गुड बट ये स्किन को इतना ज्यादा चिपचिप एंड ग्रीसी कर देता है, लाइक आई डोंट नो व्हाई, इट डस सेज नॉन ग्रीसी एंड नॉन ऑयली बट स्टिल स्किन इतनी ज्यादा ग्रीसी लगती है, बहुत ज्यादा ही ऐसा लगता है स्किन पे कितना आपने यू नो ऑयल लगा रखा है पूरा आपके हाथ पे आने लगती है। एंड समवन कमेंटेड सेइंग कि आई एम समवन विद ड्राई स्किन एंड मेरी स्किन को भी ग्रीसी कर रहा है तो लाइक आई डोंट नो किसके लिए काम करेगी। आई एम समवन विद ऑयली स्किन एंड ऑयली स्किन के लिए डेफिनेटली ये काम नहीं करेगी। ब्लेंडिंग एंड ऑल सब कुछ ठीक है, टेक्सचर भी इसका ठीक है बट ये स्किन को इतना ज्यादा ग्रीसी और ज्यादा चिपचिप करे तो बाहर तो मैं इसको कभी नहीं पहनूंगी। एंड ऑल्सो आई थिंक इट इज नॉट स्वेट और वाटर प्रूफ, तो आप बाहर जाओगे पूरी पानी के साथ यू नो स्वेट के साथ आपकी निकल ही जाएगी। एंड मैं इसका टेक्सचर दिखाऊँ, इसको बस मैंने अभी तक एक ही बार यूज किया है एंड फर्स्ट एप्लीकेशन में मुझे दिख गया था यू नो मेरी स्किन कितनी ज्यादा चिपचिप ग्रीसी फील कर रही थी, मुझे लगा यू नो 15-20 minutes बाद तो सेटल डाउन होगी, मैंने इसको थोड़ा और टाइम दिया बट ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद भी एकदम चिपचिप थी। एंड 2 घंटे बाद यू नो मैंने आपको बताया कि मेरी स्किन कैसे ऑयली लगने लगती किसी भी सनस्क्रीन के 2-3 घंटे बाद, तो 2-3 घंटे बाद तो इतना खतरनाक ऑयली लाइक मेरे पूरे हाथों पे वो ऑयल आ रहा था। सो दिस इज हाउ द टेक्सचर लुक्स लाइक, ये बहुत जल्दी फटाफट ब्लेंड हो जाती है। इट डस कंटेन्स फ्रेग्रेंस, इसमें यू नो बेबी प्रोडक्ट्स जैसी फ्रेग्रेंस है, फ्रेग्रेंस इज द लास्ट इंग्रेडिएंट, चलो वो चलता है बट मुझे इसने कुछ ब्रेकआउट्स इरिटेशन कुछ नहीं दिया बट इसका ओवरऑल वो ग्रीसीपन वो चिपचिप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एंड इट्स लाइक 487 rupees की है फॉर 50 grams एंड 487 में भी आई थिंक अच्छे खासे ऑफर पे अमेजोन पे मिल गई थी बट अदर देन दैट मुझे सनस्क्रीन उतनी कुछ खास नहीं लगी। मूविंग ऑन द नेक्स्ट थिंग विच आई हैव इज दिस रेजुशोर के ग्लाइकोलिक एसिड क्लेंजिंग पैड्स एंड ये इसका MRP इज 250 rupees बट मुझे ये फर्स्ट प्राइस 50% ऑफ 125 rupees में मिल गया एंड इसमें 50 पैड्स आते हैं एंड आई थिंक मैंने अभी तक 10 यूज कर लिए हैं क्योंकि इसमें अभी भी अच्छा खासा अमाउंट बचा है। इसमें फ्रेग्रेंस भर के है सो दैट्स द रीजन आई डोंट यूज दिस फॉर माई फेस, मेरे पास फेस के लिए वैसे भी और एक्सफोलिएटर्स हैं तो मैं इसको अपने फेस पे यूज नहीं करती, आई यूज दिस फॉर माई अंडर आर्म्स एंड माई बॉडी। अंडर आर्म्स पे भी मैं एज आई टोल्ड यू गाइस यू नो मेरे अंडर आर्म्स काफी ज्यादा सेंसिटिव है इसलिए मैं इनको हर दिन यूज नहीं कर पा रही क्योंकि मैंने सोचा था मैं इनको ऑल्टरनेटिवली यूज करूँ क्योंकि ग्लाइकोलिक एसिड जो है ना वो ऑर्डर कंट्रोल करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है, तो मैंने सोचा था मैं इनको हर दिन ना ऑल्टरनेटिवली एक दिन छोड़ के एक दिन यूज करूंगी बट माई अंडर आर्म्स आर सेंसिटिव तो मैं इनको वीक में 2 बार यूज करती हूँ एंड मुझे खास यू नो पसंद आ रहे हैं बट आई वुड से मुझे कुछ अच्छा डिफरेंस नहीं दिखा है पिगमेंटेशन में ऑन माई अंडर आर्म्स या फिर ऐसा कुछ,
तो इसलिए मैं इसको और भी ट्राई करूंगी, यू नो मैं ट्राई करूंगी मैं इसको खत्म कर पाऊँ पूरा, एंड देन आई विल गिव यू गाइज अ फाइनल वर्डिक्ट कि कैसा काम कर रहे हैं. बट अदर देन दैट अभी तक मुझे इनका एप्लीकेशन एक पैड में काफ़ी ज़्यादा you know, वो जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है. मैं पहले दोनों अंडर आर्म्स पे स्वाइप करती हूँ एक एक बार, फिर अपने एल्बोज पे, फिर नीज पे, और फिर भी प्रोडक्ट बचता है तो मैं इसको अपने आर्म्स पे यू नो, क्योंकि आर्म्स पे काफ़ी बार वो टाइनी बम्स हो जाते हैं समर्स की वजह से, तो मैं यहाँ पे भी करती हूँ, मैं अपने चेस्ट पे भी कर लेती हूँ. तो एक पैड आपका यू नो काफ़ी पूरी बॉडी पे कर देता है. एंड ऑल्सो आई मेक श्योर टू यूज दिस वन डे बिफोर आई एम शेविंग, क्योंकि शेविंग अगर आप शेविंग से पहले एक दिन पहले एक्सफोलिएट करोगे अपनी स्किन को केमिकली, अगर फिजिकल मैं क्या बोलती जा रही हूँ, तो बेसिकली मैं क्या करती हूँ, मैं इनको यूज़ करती हूँ एक दिन शेव करने से पहले, क्योंकि शेव हम करते हैं तो काफ़ी बार यू नो इनग्रोन्स का इशू आ जाता है. तो अगर आप अपनी स्किन को केमिकली एक्सफोलिएट करते हो ग्लाइकोलिक एसिड, सैल्सिलिक एसिड, किसी भी एसिड से, और फिर आप शेव करते हो, तो जो आपके इनग्रोन्स का इशू है वो थोड़ा कम होता है. तो उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है. सो या एज आई सेड, मैं इसको और ज़्यादा ट्राई करूंगी. एंड फेस के लिए तो मैं इसको ट्राई नहीं करी, बॉडी के लिए मैं और भी ट्राई करूंगी, देखती हूँ कुछ ओडर पिगमेंटेशन कहीं भी अगर मुझे कोई डिफरेंस आता है तो आई लेट यू गाइज नो. मूविंग ऑन टू द लास्ट प्रोडक्ट विच आई हैव विच हैज टू बी लाइक माई फेवरेट सॉर्ट ऑफ इज दिस एंटी डैंड्रफ शैम्पू. मैंने काफी ज्यादा बात कर रखी है इसके बारे में. सो दिस इज सेलेनियम सल्फाइड टॉपिकल सस्पेंशन USP, एंड ये मैंने पूजा रिव्यूज उनके इंस्टाग्राम की एक रील में देखा था, एंड फिर मैंने इसको परचेज किया था. आई हैव बीन लविंग दिस. द ओनली कॉन इज इसका फ्रेग्रेंस एंड इसका यू नो बालों को ड्राई कर देना, विच आई डोंट माइंड. ड्राई के लिए आप क्या कर सकते हो, आप इसको पहले यूज करना एंड देन अपना नॉर्मल शैम्पू यूज करना, जो आप सेकेंड शैम्पू यूज करते हो ना घर पे, जो भी शैम्पू यूज करते हो, तो आपके बालों का जो ड्राइनेस है कहीं ना कहीं हट जाएगा. दिस वन रिटेल्स फॉर 348 rupees, बट आई थिंक मुझे 250-270 के अराउंड पड़ गया था, एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है अभी तक. आई थिंक मैंने इसको इतना यूज़ कर लिया है, एंड आई यूज़ दिस एवरी टाइम आई वॉश माई हेयर. पहले तो मैं हफ्ते में एक बार अपने बाल धोती थी, बट अब गर्मी पसीना ना मेरे स्कैल्प काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो जाता है, तो मैं हर 3-4 दिन बाद अपने बाल धो ही लेती हूँ, एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है. सो दैट्स ऑल फॉर माई फार्मेसी वीडियो. एंड देखा जाए तो इस वाले वीडियो में यू नो, उतने खास प्रोडक्ट्स नहीं निकले, क्योंकि इससे पहले दोनों जो फार्मेसी वाले वीडियोस थे उनमें सारे प्रोडक्ट्स मुझे पसंद आए थे, बट इसमें 3 तो मुझे पसंद भी नहीं आए. सो डू लेट मी नो योर फेवरेट प्रोडक्ट्स फ्रॉम फार्मेसी जिनको मैं ट्राई कर सकूँ एंड रिव्यू दे सकूँ जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हों. सो डू लेट मी नो, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. थैंक यू.